पाकिस्तान वेदर फॉरकास्ट के साथ मंडे 22 नवंबर 2021 यानी कल का मौसम कैसा रहेगा। अगर हम बात करते हैं मौसम के लिहाज से तो मुल्क में बालाई इलाकाचात जो हैं और ख़ास तौर पर जैसे लाहौर में पंजाब के जो बलाई इलाके हैं, पंजाब के जो शुमाली इलाका जाता है, मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा, स्मोक का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि फोग का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये जो धुंध पड़ रही है इसमें इजाफा होगा। और अगर हम बात करते हैं सिंध की तो अंदरूनी सिंध में थोड़ी ठंड आ गई है, लेकिन मुकम्मल सर्दी जो है वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं कराची, हैदराबाद, लाहौर की, जैसा कि आपको बताया गया, आहिस्ता आहिस्ता ठंड जो है वो होती जा रही है और मुकम्मल सर्दी जो है वो एक हफ़्ते के अंदर आ जाएगी। लेकिन लाहौर में शदीद सर्दी बढ़ भी रही है और फोग का सिलसिला जारी है और स्मोक का सिलसिला भी जारी है, यानी ये जो धुंध है लाहौर में इससे हमें बारिशें देखने को मिल भी सकती हैं। अगर पूरे पंजाब में जैसा कि बलाई इलाकों जात में जो धुंध का सिलसिला है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें दिसंबर में बारिशें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अगर धुंध थोड़ी हल्की रहती है तो फिर हमें जनवरी में बारिशें देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं सिंध की तो सिंध में भी मौसम जो है वो रात के औकात में तो थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन एक हफ़्ते के दौरान मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ठंडा होगा और मुकम्मल सर्दी आ जाएगी। बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलोचिस्तान और कश्मीर की, मौसम खुश्क रहेगा। और कल के लिहाज से भी यही अपडेट है कि मौसम खुश्क रहेगा और कोई बारिश का इम्कान नहीं है, आइंदा 8 दिनों तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है। न्यू अपडेट से आगाह होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।